तो चलिए अब हम लोग सर्व करते हैं इसको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, बड़ों को नमस्ते एंड पहला छोटू को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ छत से और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है और जो सुबह के काम होते हैं सब निपट गए। मैं छत पे आई थी, अभी कपड़े सुखाने आई थी। ये देखो, अभी मैंने बकेट में ही रखे हैं और ये आज मैंने धोए हैं दीवी के स्कूल के वाइट शूज़। और जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, आप देख सकते हो, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो जो है जल्दी से कपड़े सुखाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग। तो गाइस, कपड़े वपड़े मैंने सब डाल दिए हैं। जैसे मैंने कपड़े डाले एकदम धूप चली गई, वैसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए हो रहा है और जो है अभी फिर से धूप आ जाएगी। देखो बहुत तेज़ धूप। दीवी शायद उड़ गई है, दीवी की आवाज़ आ रही है नीचे से। तो चलो नीचे चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दीवी खड़ी है, देखो अभी उठी हो, खुद से आ गई थी बाहर। दीवी आज थोड़ा जल्दी उड़ गई और खुद से उठी है, है ना? गुड मॉर्निंग बोल दो। दीवी को लग रही है खुजली और जो है तो पाउडर डाल दो। क्या डालो फिर? वो वाला इसमें थोड़ी लगाते हैं, ये पाउडर। ये देखो, वाओ प्रिकली हीट। गर्मी से दीवी को बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, कह रही पाउडर नहीं। देखो देखो, अब मेरी दीवी ब्रश करने जा रही है और ये कह रही मम्मा आप कराओ मुझे ब्रश। ये देखो दीवी करती है, ये देखो बिना पेस्ट के ब्रश करती है दीवी इसको, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। और ये कहती है मम्मा मुझे ऐसे ही करना है। हम करेंगे लाइट्स ऑफ, है ना दीवी? दीवी करेगी डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या सीखा? डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलो फिर ऑफ करो। ये देखो कितने अच्छे टीथ हो गए, वाइट टीथ हो गए। देखा, दीवी को पता है ना, दीवी अगर ब्रश नहीं करेगी तो उसके टीथ में कैविटी हो जाएगी, ब्लैक टीथ हो जाएंगे उसके। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, 1 बजने वाला है और हम बना रहे हैं आज लंच। और मम्मी आज लंच में बनाने वाली है भट्ट की चुरकानी, तो मैंने सोचा चलो उसकी रेसिपी आप लोगों को बताई जाए। तो ये देखो यहाँ पे सब तैयारी होगी, कढ़ाई रख दी, लोहे की कढ़ाई में ज्यादा अच्छा लगता है बट ऐसे किसी में बना सकते हैं, पर लोहे की कढ़ाई इज द बेस्ट। और ये मम्मी ने तेल डाला, ये देखो ये रखे हैं भट्ट, काले भट्ट और सफेद भट्ट। बीच में ये कहाँ से आ जाती है? ये देखो ये देखो बीच में आ गई है हमारी चेरनी। तो चलो अब बाय बाय। दादू को डरा क्या हो। तो ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, ये है 1 प्याज बारीक कटा हुआ और ये है देखो 1 टमाटर है बारीक कटा हुआ और ये है थोड़ी हरी मिर्च है 4-5, जितना भी आपको तीखा वीखा पसंद है वो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये लहसुन है कटा हुआ। ये गर्म हो गया तो मम्मी अब इसमें डालेंगी जीरा, थोड़ा सा जीरे का तड़का। ये तड़कने देते हैं तब तक। अब इसमें मम्मी डालेंगी लहसुन। अब इसमें डाल दिया क्या? ये मैं आसान तरीके से बना रही ऐसे हाँ। तो साथ में इसमें भट्ट डाल देंगे, पर इनको चला चलो प्याज इसमें हो जाता है ब्राउन। हाँ, भट्टों के साथ और प्याज भी देखो गोल्डन ब्राउन होने लग गया। देखो आप तेज आवाज आने लगी और देखो उछल भी रहे, साथ में उछल रहे और जो है गोल्डन ब्राउन भी हो गया, प्याज दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसमें मम्मी डालेंगी आटा और आटा मतलब उतना डालें जितना मतलब आप गाढ़ा खाना चाहते हैं। ज्यादा गाढ़ा चाहिए तो ज्यादा आटा, कम गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी। देखो देख आटा भी इसमें भूल गया ना, हाँ नहीं हो इसमें बिल्कुल, आपने चलाते रहना पड़ता है पानी डालने के लिए। टमाटर डाल, थोड़ी सी हल्दी का मसाला, ये डाला नमक स्वाद अनुसार नमक, ये पसीने से तर हो चुकी है पूरा ये बनाने में, तौलिया साथ में रखा है तो पूरी मेहनत के साथ बनाया जा रहा है। इसको बनने का हम वेट करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको जब ये पक जाएगा, इसमें उबाल आने लगेगा और फिर जब तक उबाल ना आ जाए तब तक तेज फ्लेम रखेंगे, फिर उसके बाद कम कर देंगे और इसे पकने देंगे।
तो गाइस देखिए ये उबलने लग गया है और अब ऑलमोस्ट तैयार है हमारा भटकी चुरकानी। तो चलिए अब हम लोग सर्व करते हैं इसको। गाइस तो अब बच गया है 2 और यहाँ पे बहुत तेज आने लगे बारिश और दीदी कह रही थी मम्मा मुझे बारिश देखनी है लेकिन हम भीगने नहीं देंगे इसको। नहीं इसको भीगने जाने देंगे। अरे दीदी मजा आएगा ना। ये भी लंच के लिए आ चुके। तो गाइस देखिए हमारा लंच लग चुका है। ये मेरी प्लेट देखिए भटकी चुरकानी और राइस हमारा खा रहा है अदी। अरे वाह यहाँ पे हमारे ब्लॉग चल रहे आज का ही ब्लॉग है और जो है साथ में हम लोग कर रहे हैं लंच। चलो पसंद आया बढ़िया ये बनाया तो खाने में भी अपने हाथ का कौन सा अच्छा लगता है। देखो बेचारी मम्मी का ये जल चुका है जब गई थी बेचारी इतना काम किया कि ये जला दिया। जल्दी से लंच कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर में। अभी टाइम 4:30 होने वाला है और हमारा लंच वन सब हो गया था। लंच बहुत तेज बारिश हो रही है आज हमने विंडो ओपन कराया देखो। आज है 8 तारीख और आज है मेरी बड़ी दीदी का बर्थडे। उन्हें फ़ोन नहीं किया तो चलो ब्लॉग में भी हम लोग बोल देते हैं बड़ी ताई का बर्थडे। बड़ी ताई का हमें मीलू दीदी के घर गए थे ना बड़ी ताई के घर गए थे ना। हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday to you, happy birthday dear दीदी। उन पर बात करेंगे और उनको विश करेंगे। तो यहाँ पे दीदी भी मम्मा की हेल्प करी देखो ये। तो दीदी ने बोला है कि मैं अपने कपड़े खुद से फोल्ड करूँगी मम्मा। तो जो है दीदी यहाँ पे हेल्प करने लग गई। केशव आप चलाओ। हाँ हाँ शेयरिंग इज केयरिंग। देखो यू बनी टीचर तुम चला के दिखाओ केशु को एक बार। कैसे हाँ ऐसे नहीं करते हैं कैसे करते हैं बताओ। ये देखो ये केशु के टीचर बनी आज और लगा जोर लगा। दीव कैसे करते हैं यार ऐसे करते हैं जो अच्छे ये देखो वाह ऐसे आ गया केशु को। हाँ आएगा आएगा गुड 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 बेटा गुड। चलो और जोर लगाओ और जोर लगाओ। अरे वाह देखो केशु को लगी है चोट तो दीवी उसको क्या लगा रही है कितना सारा पोत दिया। ए बिड्डा हेलो गाइस अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं शॉप से आ चुका हूं। आज थोड़ा लेट आया हूं क्योंकि बारिश हो रही थी। मैंने दीप्ति को कॉल करके बता दिया था कि आज मैं लेट आने वाला हूं पर मैं आके मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे। आप देखोगे मैं अभी उचित कपड़ों में हूं। थोड़े किले भी हो रहे हैं बारिश हो रही है क्योंकि। पर दीप्ति ने मुझे बिठा दिया यहाँ पे दीपू के साथ और दीपू ने मुझे पकड़ लिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ बुक पढ़ रहा हूँ क्योंकि दीपू कह रही है मैं तब तक काम करूँगी जब तक आप पढ़ोगे। मतलब मैं कब पढ़ना छोड़ दूँगा तो वो नहीं करेगी काम ये उसका कहने का मतलब है। अब मैं चेंज भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दीपू मुझे उठने नहीं दे रही है। मैं देखता हूँ कैसे मैं फ्री होता हूँ इसको थोड़ा बेकू बनाता हूँ दीपू को। देखा सुनती साफ है ये ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई कर रही हो ये। मैं नहीं जाने दूंगी यार नहीं जाने दूंगी। देखो आप क्या करें पैदते हम कब तक यार थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। ओ देखो वही देखा ये मुझे ब्लॉगिंग भी नहीं करने दे रही थी। मैंने पहले ना हाय फैन कर लिया तो नहीं हाय गाइस होता है देखा। ये मेरे से पहले ब्लॉगर बनी हुई मैं तो अब शुरू कर रहा हूँ।
इसको पता है ये मेरे से पहले आई हुई, कभी ये सिखाती है कभी वो सिखाती है, ऐसा बोलना है वैसे बोलना है। होमवर्क करो आप। चलो अब मैं आपको बाद में मिलता हूँ, खाना बन चुका है, दीप्ति ने खाना बना दिया है या फिर दीपू को खाना खिलाया जा रहा है। Hey guys, देखो अब मैं एकदम फ्री हो गई हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉगिंग का काम भी पूरा सचिन पे ही डाल दूँ। देखा मेरे पास एक काम। ये इसका ना मैंने शुरू से ही देखा है, ये स्टार्ट करती है काम बहुत अच्छे से जोश के साथ करती है। ये विन हो गया, ये दीपू इज अ विनर। चलो फिर हम इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और एंजॉय करते हैं फैमिली टाइम। तो गाइस हो गया, चलो डिनर के बाद ही मिल रहे हम डायरेक्ट, बीच में नहीं मिल पाए क्योंकि अभी मैं डिनर विनर बनाने लग गई थी। अब डिनर हो चुका है, मम्मी पापा को दे चुकी हूँ, उन्होंने खा लिया है। बस दीवी को मैं यहाँ पे खिलाने आई थी, साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ वो खा रही है। मैं इसका ना मोबाइल देखना थोड़ा सा कम करवा रही हूँ, इस वजह से ऐसे काम चल रहा है। तो जो है इसलिए सचिन को भी यहाँ पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि दीदी ने पढ़ाई का बोला हुआ है कि पापा पढ़ेंगे तभी मैं जो है काम करूँगी, तो वही ये चल रहा है यहाँ पे। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करेंगे, मिलेंगे आपको कल के नए ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को हमारी ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपना प्यार बनाए रखना। अच्छा अपना प्यार जोर से बोलो बनाए रखना। बाय बाय। तो थोड़ा नाता टूटा हूँ क्योंकि मैं हमेशा कभी आता हूँ बाहर से तो मैं थोड़ा नाता हूँ। उन्हें तारीफ तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है मुझे अपनी, कोई और तो करता नहीं। दीप्ति कभी नहीं करेगी मेरी तारीफ, इससे पूछोगे कभी नहीं करेगी। तारीफ के लिए कुछ होना भी चाहिए ना।